जब मैं ड्रेसिंग रूम में घुसा दिल्ली गए, पहले मेरे को नजर आए विराट कोहली, मोटिवेशन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों, और एमबी स्पोर्ट चैनल में आपका सभी का स्वागत है। सो आज हमारे साथ है मिस्टर मनोज सर। थैंक यू सो मच सर आपका इतना कीमती समय देने के लिए। सो सर, वही दिल्ली का लड़का जो गली क्रिकेट खेलता था और आज उसने रणजी तक का सफर तय किया और अब बहुत सारे मैचेस आपने खेले, सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस, कैसे आपने स्टार्ट किया और आपकी जर्नी कैसे रही क्रिकेट को लेकर? स्टार्ट तो यार हम नॉर्मल गली क्रिकेट ही खेलते थे, नॉर्मल ऐसे ही खेलते रहते थे गलियों में। तो मम्मी पापा ने सोचा उसको स्टेडियम भेजते हैं, यहाँ ऐसे ही खेलता रहता है गलियों में। तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ, स्टेडियम गए, स्टेडियम में जाके पता लगा कि क्या असली क्रिकेट क्या होती है। गली में तो हम ऐसे ही खेलते रहते थे टाइम पास, वहाँ जाके हमें असली एक्सपीरियंस पता लगा कि कैसे असली क्रिकेट क्या होती है। स्टेट लेवल होता है, उसके बाद रणजी ट्रॉफी होता है, आईपीएल होता है, फिर इंडिया की टीम में जाते हैं। पहले हमें ऐसा लगता था कि सिर्फ स्टेडियम गए और इंडिया की टीम में पहुँच गए, सभी को ऐसा लगता है नॉर्मल प्लेयर्स को। तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ, गए स्टेडियम फिर हमने। सर हर किसी की ज़िंदगी में ना कुछ ऐसा स्ट्रगल होता है कि इंसान ना हार भी जाता है, लेकिन कई जो होते हैं जो इंस्पायर भी करते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई स्टोरी रही हो जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हो? स्टोरी तो लोअर मिडिल क्लास में थोड़ा मनी का ही प्रॉब्लम रहता है द मेन इशू सर। मम्मी पापा का सपोर्ट था पूरा बचपन से, लेकिन थोड़ा मनी का ही प्रॉब्लम था, थोड़ा इशू था। स्टेडियम की फ़ीस देनी है, शुरुआत में वाइट ड्रेस नहीं थी स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ एक वाइट ड्रेस होती थी, वही रोज़ रात को पहन के जाते थे, सुबह धुलती थी फिर वही पहनते थे दोबारा हम। तो एक टाइम ऐसा भी था, स्ट्रगल तो चला, फिर उसके बाद आगे बढ़े, स्टेट खेले। काफ़ी अच्छी बात है सर। सो यू नो जब आपने रणजी का सफ़र तय किया और 2010 में आज आप यू नो हर किसी को अपना पहला मैच रिमेंबर होता है कि 2010 में जब आप रणजी के खिलाफ पहला मैच खेले किसी टीम के खिलाफ, सो वो कैसा फील था? वो वाइट ड्रेस, वो यू नो मिट्टी, उसका अलग ही फील होता है सर। सो अगर आप कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं रणजी ट्रॉफी में खेलने से पहले हमारा कैंप लगा था दिल्ली फिरोजशाह कोटला में, वो तो जब मैं ड्रेसिंग रूम में घुसा दिल्ली के, सबसे पहले मेरे को नज़र आए विराट कोहली। हाँ, तो मैं उनको देखता रह गया, उनको मैं टीवी पे देखता था। शिखर धवन थे ड्रेसिंग रूम में, मिथुन मीनास, इतने बड़े बड़े नाम थे कि मैं उनको देखे उनको ही देखता रह जा रहा था बस। फिर नीचे प्रैक्टिस के लिए गए हम नेट पे, तो पहले शिखर धवन भी आए बैटिंग करने, मैंने उनको बॉल डाला। फिर विराट कोहली भी आए बैटिंग करने, उनको मैंने बॉल डाला, वो काफ़ी इंप्रेस हुए। फिर हमारे उस वक्त कोच थे मनोज प्रभाकर सर, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, कह रहे आज बॉल आप अच्छा डालते हो, ऐसे ही करते रहो। तो नेक्स्ट वन वीक के अंदर मेरा नाम आ गया रणजी ट्रॉफी में। वाह, नेट में वो मेरे से इतना इंप्रेस हो गए, और उस वक्त मैं अंडर टीम खेल ही रहा था दिल्ली से, परफॉर्म करके आया हुआ था। तो फिर नेक्स्ट जब मैं पहला मैच खेला अपना डेब्यू मैच, कर्नाटका के अगेंस्ट था, नहीं तमिलनाडु के अगेंस्ट हमारा मैच था पहला, तो सामने वाली टीम में इंडिया प्लेयर थे रविचंद्रन अश्विन खेल रहे थे, ऑफ स्पिनर, एस बद्रीनाथ खेल रहे थे, अभिनव मुकुंद खेल रहे थे, दिनेश कार्तिक खेल रहे थे, तो बहुत अच्छी टीम थी उनकी तमिलनाडु की। लेकिन हमारी टीम भी बहुत अच्छी थी, विराट कोहली भी आते, शिखर धवन थे, मिथुन मीनास भी आते, रजत भाटिया भी आते, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था पहला मैच, बहुत बढ़िया बात। तो सर एक प्लेयर का बनने के लिए ना कभी किसी ना किसी का सहारा होता है, किसी का साथ होता है, तो आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंस्पायर जिसने किया हो, आपको सपोर्ट किया हो, जैसे कि कई प्लेयर्स के होते हैं उनके फ्रेंड सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई है अभी कुछ ना कुछ हुआ हो? सबसे बड़ा सपोर्ट तो आपको सबसे पहले फैमिली का ही चाहिए, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, मम्मी पापा आपका, वो तो हमेशा मेरे साथ थे, अभी भी हैं, सपोर्ट करते हैं मेरे को। उसके बाद जैसे क्रिकेट फील्ड में आपके कोच का साथ होना बहुत ज़रूरी है, मेरे कोच केसर चौधरी सर, उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरे को शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही, अभी भी सपोर्ट करते हैं मेरे को, तो उनका कोच का होना सपोर्ट बहुत ज़रूरी है बहुत। तो सर आज के समय में देखिए आप जैसे कि देखेंगे क्रिकेट जो है ना काफ़ी जो है ऐसा कहते हैं कि क्रिकेट जो है आईएएस से भी ज़्यादा तगड़ी यू नो जॉब हो गई है एक तरीके से,
तो एक कई सारे प्लेयर रहते हैं, कितनी सारी एबिलिटीज होती हैं, कोई प्लेयर कितना अच्छा है, तो आप अपने आप को कैसे निखार रहे हैं और कितना अपने आप को लेवल तक अच्छा बनाएं? क्या आप एक स्टेट खेल सकें, एक रणजी प्लेयर खेल सकें, या आईपीएल या यू नो इंडियन टीम के लिए खेल सकें, तो उसके बारे में कुछ? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, आजकल कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है, अकेडमी में कम से कम 100 बच्चे हैं और दिल्ली में पता नहीं कितनी हज़ारों अकेडमी हैं, हर अकेडमी में 100-150 बच्चे हैं, तो कंपटीशन तो वैसे ही इतना हाई हो चुका है इस टाइम पे। मनोज सर, आज के समय में ना क्रिकेट ज़्यादा इतना जो है टफ हो गया है, इतने ज़्यादा कंपटीटर्स आ गए हैं, हर अकेडमी में बहुत सारे लाखों बच्चे इंडिया में, आपको पता है क्रिकेट ऐसा लगता है इंडिया का जो त्यौहार है वो क्रिकेट है, आईपीएल जैसे को बोलते हैं आईपीएल आ रहा है तो इंडिया का त्यौहार आ रहा है। तो एक प्लेयर को बनने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, और कैसे वो अपने आप को निखारे और कैसे वो आ गया है जो आगे अच्छा खेल सके? मोटिवेशन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क। मोटिवेशन आपको जैसे सपोर्ट हो गया घर का, वो होना बहुत ज़रूरी है, कोच का आपका सपोर्ट। डेडिकेशन, आप में कितना खेलने का जज्बा है, जुनून है, जुनून है आपके अंदर। और हार्ड वर्क, आप कितना मेहनत कर सकते हो, मेहनत के बिना, हार्ड वर्क के बिना कुछ भी नहीं है, उसका कोई दूसरा वो नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। सर, समटाइम्स क्या होता है ना कि एक प्लेयर ना बहुत एक जो मिडिल क्लास का फैमिली का होता है, आप समझ सकते होंगे, तो उसको अपनी पढ़ाई अलग, फीस अलग, तो उन सब चीज़ों में सर क्या आपको क्या लगता है कि एक मिडिल क्लास का बॉय भी, क्योंकि बहुत सारे हमारे लॉट ऑफ क्रिकेटर्स रहे हैं जिन्होंने मेहनत करी और वो आगे तक आए, तो इंडियन टीम तक खेले बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो ऐसे ही हमारे काफ़ी जो हैं युवा हैं, जो कि बिगिनर्स हैं, उनके लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहें सर? यार, स्ट्रगल तो जैसे मेरा स्ट्रगल रहा है वैसे ही मोस्टली ज़्यादातर प्लेयर्स का वो ही रहता है, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में दिक्कत आती है। मेहनत तो आजकल हर कोई कर रहा है, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन एक बंदे के अंदर एक हार्ड वर्क वाली चीज़ होती है ना, मेहनत वाली, वो कई लोग नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, समझ सकते हो आप जी, तो वही चीज़ है यार, मेहनत का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो सर, जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपके कौन आइडियल रहे हैं? मेरे तो हरभजन सिंह को मैं आइडियल करता था, अपना ऑफ स्पिनर, ऑफ स्पिनर थे वो भी, अभी भी हैं, मैं भी ऑफ स्पिन डालता था, उनको देख के मैं डालता था, टीवी पे देखता था इस टाइम, तो चलो यूट्यूब वगैरह नहीं था, आजकल के लड़कों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया कि यूट्यूब आ गया है, पुरानी वीडियोज आप देख सकते हो, हमारे टाइम पे तो सिर्फ जो मैच टीवी पे आ रहा हम वही देख पाते थे लाइव, ना यूट्यूब था ना कुछ था, तो बस उसी मैचों को देख देख के हम सीखते जाते थे आगे। तो आपको वो मैच रिमेंबर होगा जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने हैट्रिक ली थी और वो मैच जिताया था टेस्ट में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के, सो वो यादें, यू नो, एक क्रिकेट के लिए एक फील सी बहुत अलग है, जब वो आप उस मिट्टी को छूते तो अलग ही वाइब आती है, तो उसके बारे में कुछ बताएं सर, कैसा मतलब रहा आपका वो मैच? मैंने देखा था पूरा, फोर्थ डे था, राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण खेल रहे थे, तो सबको ही लग रहा था कि इंडिया आज मैच हार जाएगी, लंच तक आउट हो जाएगी। वो मैच में बहुत छोटा था, मैंने उनके हाइलाइट्स देखी तब वो मुझे पता चला, तो मैं अभी स्कूल चला गया था, मैंने कहा बहुत मुश्किल है मैच इंडिया का बचना, लेकिन उस दिन वो दोनों पूरी दिन बैटिंग कर गए, लक्ष्मण और राहुल द्रविड़, जब मैंने आगे देखा तो मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ। फिर अगले दिन हरभजन सिंह ने 8 विकेटें ली थी लास्ट दिन, वो मैच जीते, वो एक्सपीरियंस अलग ही था, वो एक उससे ना मोटिवेशन मिली कि यार हमें भी ऐसा करना चाहिए, यार हमें भी इंडिया के लिए कुछ करना चाहिए। सर, एक यू नो इंडियन हर कोई चाहता है कि मैं क्रिकेट खेलूं, हर कोई चाहता है मैं इस फील्ड में जाऊं, यू नो, लेकिन कई बार क्या होता है ना, लूज छोड़ देते हैं लोग, युवा जो हैं लूज छोड़ देते हैं कि यार नहीं, मुझसे नहीं हो पाता है, तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया है कि आपको लगा नहीं यार अब नहीं करना, छोड़ दो, कभी हुआ है कभी ऐसा? शुरुआत में हुआ था जब मैं पहली बार अंडर 15 के ट्रायल पे गया था, मैं तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा क्यों नहीं हुआ, मैंने बहुत मेहनत करी, पूरे साल 2 साल लगे मेरे को स्टेट के लिए तैयारी करने के लिए, फिर मैं स्टेट के ट्रायल पे गया, मैं पहले राउंड में ही बाहर हो गया, मैं लास्ट तक भी नहीं गया, मुझे बड़ा डीमोटिवेट हुआ। फिर मैंने ट्रायल से ही जान लिस्ट लगी हुई थी हमारे नाम की, तो उसमें मेरा नाम नहीं, तो मैंने फ़ोन किया घर पे, मम्मी मेरा नाम नहीं है, मम्मी कह रही कोई बात नहीं तू घर आ जा, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार फिर मेहनत करियो फिर जाइयो। उस टाइम थोड़ा मुझे लगा था, लेकिन वही मम्मी पापा का सपोर्ट था, तो जो फैमिली सपोर्ट रहा है बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा सर, आपकी जो स्टोरी काफ़ी अच्छी है सर, तो सर
आपने जैसे कि बताया कि ड्रेसिंग रूम में आपके साथ आपसे विराट कोहली भी आप उनसे मिले, शिखर धवन, तो ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा रहता है? गरमाया रहता है फिर एकदम चिल आउट, यू नो, एकदम चिल आउट, एकदम ऐसा रहता है जैसे कपिल शर्मा का शो हंसी मजाक पूरे टाइम। वीरू भैया भी थे ड्रेसिंग रूम में, गौतम गंभीर भैया थे, आशीष नेहरा भैया थे, ईशान शर्मा, सब थे ड्रेसिंग रूम में, सबके साथ खेला हूँ मैं, तो एकदम चिल रहता था। फील्ड पे हम थोड़ा फील्ड के हिसाब से रहते थे, लेकिन ड्रेसिंग रूम में सब चिल, एकदम सब भूल जाते थे कि बाहर क्या हुआ है। अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि फील्ड पे तो थोड़ा वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट, अब आपने देखा होगा कि MS धोनी जब भी किसी बॉलर को छक्के वो कुछ नहीं करते, एकदम स्ट्रेट, एकदम इधर नज़र इधर नज़र, लेकिन बीच के ओवर में उनमें कन्वर्जेशन होता होगा, तो कभी ऐसा हुआ है फील्ड के दौरान आपने, कभी आपके जो कैप्टन रहे हैं, आपके कैप्टन थे? फील्ड में होता है जब हमारा एक जैसे ओवर ख़त्म हो गया, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, एक मिनट होता है ना, उसके बीच में हमारी बात होती थी गौतम भैया से, गौतम वीर भैया से, या फिर विराट कोहली भैया थे, जब शिखर धवन भैया कैप्टन थे एक बारी, तो बीच में ही बात हो, जैसे आप कह रहे हो लाइव मैच में, जैसे इंटरनेशनल मैच में IPL के मैच में ऐड आती है, तो MS धोनी भैया बीच में बात करते हैं ओवर, तब उसके दौरान बात करते हैं क्या करना है, क्या कैसे बॉल डालनी है। तो सर आज के समय में जैसे कि क्रिकेट, तो आपको जैसे कि मैंने पहले बताया क्रिकेट काफ़ी टर्म, तो एक प्लेयर को कैसा ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, या बैट्समैन, या ऑलराउंडर, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे तो अधिकतर लोग ना ऑलराउंडर को प्रेफर करते हैं, या विकेट कीपर बैट्समैन को प्रेफर करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि एज अ यू नो प्लेयर को क्या होना चाहिए? ऑलराउंडर रहता बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जैसे कोई ऑफ स्पिनर है, मेन ऑफ स्पिनर है, अगर उसकी ऑफ स्पिन इतनी बढ़िया होगी कि उसे बैटिंग की ज़रूरत इतनी नहीं भी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी बॉलिंग में इतनी तगड़ी क्वालिटी होगी ऑफ स्पिन में ही, तो वो उसमें भी खेल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसे ऑल बैटिंग एक बैट्समैन की तरह ही आती हो, ठीक है। क्वालिटी वाली बॉलिंग आजकल ना बहुत कम हो गई है, जैसे रविचंद्र अश्विन है, एज ए ऑफ स्पिनर है वो प्योर एकदम, क्योंकि बॉलिंग में वो क्वालिटी है, ठीक है ना। तो अगर क्वालिटी है ना बॉलर में, प्लेयर में, तो वो अगर खाली बैटिंग ही करता है तभी चलेगा, जैसे रोहित शर्मा सिर्फ बैटिंग करते हैं, लेकिन हाई क्वालिटी वही बात है। तो जैसे दोस्तों आपको एक और गुड न्यूज़ सुनाना चाहूँगा, वो सर खुद सुनाएंगे, तो हाल ही में इन्होंने एक अचीवमेंट हासिल किया है, ये खुद ही बताएंगे। जैसे कि मैंने बताया इन्होंने 2010-2014 तक रणजी खेला, वो भी एक ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण पक्ष था, एक दिन यू नो बहुत अच्छा फील था, तो इन्होंने एक और चीज़ हासिल की है, वो खुद बताएंगे सर, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताएं। अभी मैंने 2-3 दिन पहले की बात है, BCCI Level 1 कोर्स होता है, वो मैंने अभी क्लियर किया है, अभी संडे की बात है, तो अभी मैंने किया है संडे को। तो कैसा फील आ रहा है सुनो कि BCCI लेवल का पहला आपने अटेम्प्ट किया? बहुत टफ था, इतना आसान नहीं था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हो गया। देखते हैं अब नेक्स्ट लेवल आएगा, Level 2 आएगा, फिर 3 आएगा। विवेक सर, वी होप के आप क्लियर हो जाएं और नेक्स्ट टाइम फिर हम आपसे मिलें। तो सर अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी जैसे कि आप प्रैक्टिस मैचेस भी खेलते हैं, तो अभी आप एकेडमी के बारे में अगर कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को? एकेडमी आपको देख ही सकते हो यहाँ पे निज़ामुद्दीन स्टेशन दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, स्टेशन के बिल्कुल सामने है क्वेटा DAV स्कूल एकेडमी, आप आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, मैं आपको मिलूँगा यहाँ पर। बहुत अच्छी एकेडमी, आप देख सकते हैं चारों तरफ नेट्स हैं बिल्कुल बने हुए, बीच में विकेट है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो मोटिवेशन लगी हो हमारे सर के साथ, अगर आप भी एकेडमी करना चाहते हैं, एक प्लेयर बनना चाहते हैं, तो ज़िंदगी में हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, मेहनत बहुत ज़रूरी है। सर की स्टोरी से आपको, अगर आपको सर की स्टोरी बहुत पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब MESports।